हेलो फ्रेंड्स अ वेरी वेलकम टू आर चैनल सो दिस इज़ पार्ट टू ऑफ जनरल नॉलेज फॉर योर एम एन टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू पार्ट वन इज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड इफ यू वॉन्ट टू सी दिस पार्ट वन ऑफ जनरल नॉलेज लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन चेक फ्रॉम देयर ओके सो स्टार्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन हमने टेन डिस्कस किया है सो so, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर क्या मतलब कम्प्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैंने लिए हैं रिसेंट में जो का आपका पेट का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से भी मैंने लिए हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके यू नो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं स्टेट लेवल का कुछ भी मैंने इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है uh, कि उसमें मतलब आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ना हो ठीक है सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ वेन इज़ द यू एन नेशंस डे दैट इज़ यूनाइट नेशन्स डे सेलिब्रेटेड यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट कब किया जाता है सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ट्वेंटी फोर अक्टूबर ट्वेंटी फोर अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी फाइव नाइनटीन फोर्टी फाइव से यू एन डे सेलिब्रेट किया जाता है सो so, इसका करेक्ट आंसर है ट्वेंटी फोर अक्टूबर यू के जो हेड क्वार्टर्स हैं यूनाइटेड नेशन का जो हैडक्वार्टर है दैट इज इन न्यूयॉर्क और ये क्वेश्चन आई थिंक इस साल पूछा भी गया था कि वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यू तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा राज्यसभा का जो टेन्योर है फॉर द इलेक्टेड मेंबर्स ये कितने साल के लिए होता है तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सिक्स ईयर्स टू ईयर्स फोर ईयर्स एंड एट ईयर्स तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए सिक्स ईयर जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के उनका जो टेन्योर है टाइम पीरियड है दैट इज फॉर सिक्स इज द टेन्योर ऑफ दी राज्यसभा एम पी दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का कितना टर्म uh, टेन्योर होता है या टाइम पीरियड होता है तो अगर हमसे uh, राज्यसभा का पूछा जाए तो सिक्स ईयर हो जाएगा ठीक है लेकिन लोकसभा का जो टेन्योर है वो कितना होता है फाइव ईयर्स के लिए तो लोकसभा का हो जाएगा फाइव नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री विच इज विच ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया दैट इज गोवा सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर एंड अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है तो दैट इज राजस्थान ओके राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज Next is question number 4, the International Court of Justice is located in, where is the headquarter or the International Court of Justice is located? So, ICJ ka jo headquarter hai, that is in The Hague, Netherlands. So, option B is the correct answer, The Hague, Netherlands. Next is question number 5, the world famous Khajuraut sculpture is located in? सो so, ये जो खजुराव स्कल्पचर है दैट इज लोकेटेड इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज इन मध्य प्रदेश वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खजराव टेम्पल इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ओके okay? खजराओ जो स्कल्पचर्स हैं देर आर मेनी दे आर द ग्रुप ऑफ टेम्पल एक्चुअली देर इज नो एनी पर्टिकुलर स्कल्पचर ऑफ खजराओ दे दैट आर द ग्रुप ऑफ स्कल्प सॉरी डोनेट डिवोटेड टू एंड सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इन मध्य प्रदेश नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स ग्लोबल पीस इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी सो ग्लोबल पीस इंडेक्स इसमें किस कंट्री ने टॉप किया है इंडिया की रैंकिंग है वन थर्टी फाइव और इसमें टॉप किया है आइसलैंड ने सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आइसलैंड टॉप्ड दिस इंडेक्स दैट इज ग्लोबल पीस इंडेक्स नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवन रियाद इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री सो रियाद इज द कैपिटल ऑफ साउदी अरेबिया सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर और उसकी करेंसी क्या है रियाल ठीक है रियाल इज द करेंसी ऑफ साउदी अरेबिया ये करेंसी है और कैपिटल है रियाद ईरान की तेहरान बांग्लादेश की ढाका एंड म्यांमार की यू हैव टू कमेंट मी म्यांमार की वैसे जो करेंसी है दैट इज क्याथ एंड कैपिटल यू हैव टू नो इन द कमेंट कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स ओके कैपिटल भी मैं बता देती हूँ नाइपी डे नाइपी दाउ इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आउटलाइंस इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन इनमें से किस कंट्री को बोला जाता है ऑप्शन भूटान श्रीलंका और जापान सो द करेक्ट आंसर इज इज भूटान भूटान नोन एज द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर भूटान की जो कैपिटल है दैट इज ढाका सॉरी यस भूटान की जो बांग्लादेश की जो कैपिटल है दैट इज ढाका लेकिन भूटान की कैपिटल क्या है थिम्पू ठीक है भूटान की कैपिटल थिंपू नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन नेम द स्टेट ऑफ इंडिया विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल इट्स रेजिडेंट्स इनमें से कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जिसने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है ऑल इट्स रेजिडेंट्स सारे सिटीजन्स को तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज राजस्थान गुजरात कर्नाटक और तेलंगाना तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज राजस्थान राजस्थान इज द इंडिया फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल इट्स रेजिडेंट्स लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन द एजेंसी एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इनमें से कौन सी एजेंसी है जो कि कैलकुलेट करती है नेशनल इनकम इंडिया की ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नीति आयोग सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्शन डी इज आर दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया री इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सी दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली ओके तो नेशनल इनकम जो इंडिया की नेशनल इनकम है दैट इज कैल्कुलेटेड और एस्टिमेटेड बाय द सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सो गाइज दिस इज एंड ऑफ दीडियो टोटल टेन क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड एन आम से क्यू फॉर्मेट एंड क्वेश्चंस जो आप देख सकते हो सारे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से मैंने लिए गए हैं स्टैटिक से uh, जैसे आपके कंट्री एंड कैपिटल हो गया कुछ पॉलिटी से हैं कुछ आपके डेज एंड थीम से हैं ओके सो मिक्स मैंने इसमें प्रोवाइड किए हैं और कुछ आपके करंट अफेयर से भी है जैसे ये जो आपका क्वेश्चन था uh, कि पहली हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम किसने प्रोवाइड की है टू ऑल इट्स रेजिडेंट्स दैट इज राजस्थान तो ये करंट से क्वेश्चन है रिसेंट का ओके okay? तो ऐसे ही मैं मिक्स क्वेश्चन और पार्ट्स में भी प्रोवाइड करूंगी एंड मे बी क्वेश्चंस नंबर मे बी वेरी दैट इज़ टेन टू फिफ्टीन और ट्वेंटी ओके सो होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू सो मच